मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आस्था गुप्ता, प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली IVF एंड इनफर्टिलिटी सेंटर। आई एम एन IVF स्पेशलिस्ट और आज हम बात करेंगे ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये जो टेस्टिंग होती है जेनेटिक टेस्टिंग, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी अ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग और इट कैन बी अ प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग। प्री इम्प्लांटेशन मतलब आपके एम्ब्रियोज को इम्प्लांटेशन से पहले हम टेस्ट करके फिर ही ट्रांसफ़र करते हैं, और प्रीनेटल मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है PGT, विच इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसको PGT-A भी बोलते हैं, PGD भी बोलते हैं, इसके कुछ कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये आपके डॉक्टर आपको आपके IVF स्पेशलिस्ट को कौन सी कंडीशंस में एडवाइस करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी एज थोड़ी सी हायर साइड पे है, उनको डाउट है कि हो सकता है कि आपके थोड़े से एबनॉर्मल एम्ब्रियोज बन रहे हों, तब एडवाइस करेंगे। अगर आपके बार बार मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हों, प्रेगनेंसी आके सस्टेन ना कर पाए, तो आपको एडवाइस करेंगे। आपके मल्टीपल इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हों, मतलब मल्टीपल टाइम्स आपका IVF फेल हो रहा हो, तब भी आपको एडवाइस करेंगे। ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको आपके डॉक्टर्स PGT या PGT-A एडवाइस करेंगे। अमूमन हम हर IVF में PGT नहीं एडवाइस करते। अगर हमें ओवरऑल लग रहा होता है कि ठीक है, तो नहीं एडवाइस करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जहां पर हस्बैंड साइड या वाइफ साइड एक नोन डिजीज़ हो, जेनेटिक डिजीज़ हो, उसमें हम ज़रूर PGT एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि हम नॉर्मल एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र करें। ये जो PGT टेस्ट होता है, ये क्रोमोसोमल एनामलीज़ को डिटेक्ट कर लेता है पहले ही, क्योंकि हम एम्ब्रियो की बायोप्सी लेके उसको चेक कर लेते हैं कि इस एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जेनेटिक, और उसके बाद नॉर्मल एम्ब्रियोज़ को ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है एज अ कपल कि हम सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र करें। तो ये हुआ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। एक होता है प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी एक बार आ गई, चाहे नेचुरल वे में आ गई या फिर कुछ असिस्टेंस से आ गई, IUI या IVF से, फिर प्रेगनेंसी के दौरान हम कैसे ये टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, कि कोई हमें जेनेटिक डिजीज़ का कोई डाउट तो नहीं लग रहा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें डिफरेंट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, टू नो कि कोई हमें बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम के डिफरेंट साइंस तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड स्पेशली वुमेन जिनके पहले एबनॉर्मल बेबीज़ हुए हैं, या उनकी फैमिली में एबनॉर्मल बेबीज़ हैं, या उनकी एज ज़्यादा है, या उनका कोई हाई रिस्क फैक्टर है, तो उसमें ये जेनेटिक डिजीज़ की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक काउंसलिंग। ये इस टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस भी कपल को कुछ ऐसा डाउट है, जिनके डॉक्टर को ऐसा डाउट होता है, या फिर फैमिली में होता है, या प्रीवियस लॉसेस होते हैं, या प्रीवियस लॉसेस में हमने डिटेक्ट किया है कि कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसीज़ है, तो इसमें काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये स्पेशलिस्ट काउंसलर्स होते हैं जो कि आपको पूरा आपका फैमिली ट्री बना के एक बार स्टडी करते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, और कहाँ कहाँ आ सकते हैं, कहाँ आने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि हर जेनेटिक डिजीज़ का अलग अपना एक वे ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ भी ऐसा एस्पेक्ट है, हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है, या हमारी फैमिली में है, या हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में देखें, हम काउंसलिंग सेशन भी लें, और जैसे हमारे डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वैसे हम इसको फॉलो थ्रू करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, प्लीज़ रीच आउट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।